है गाइस, ये है 11111 11111 का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर हम करें ना तो गुणा करेंगे ना कुछ सोचेंगे, सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा बिना गुणा किए हुए। आप जानना चाहेंगे ये कैसे हुआ, आगे देखिए, यहाँ आपका है 33333, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर निकालने के देखिए 10888 और ये 9, ये आपका आंसर है। अब आपके बगल में लिखा गया 999999 का अगर स्क्वायर करना हो तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ध्यान देखिए 9 9 9 9 9 9 8, उसके बाद में यहाँ पर 1, ये आपका आंसर होगा। क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि बिना पेन के, बिना पेपर के, बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर जानना हो तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। रजुगलेसी में हैप्पी नवरात्रि सभी को। आज नवरात्रि के पहले दिन में आप सबने अच्छी पूजा की होगी, माँ की वंदना की होगी, अर्चना की होगी। आज इसी के साथ में इस नवरात्रि के पहले दिन आपके लिए एक बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही अनोखा वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो है कुछ खास संख्याओं का, कुछ विशेष संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। और सिंपली अब वर्ग तो ज्ञात करने हर किसी बच्चों को आता ही है मोस्टली, इसे हम कम समय में, कम से कम समय में कैसे ज्ञात करें, आज के वीडियो में आज हम ये देखेंगे। देखने के पहले आप ये जानते हैं कि वीडियो है किसके लिए, कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए नहीं, बल्कि उन सारे लोगों के लिए जो बच्चे अभी किसी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, या उन सारे बच्चों के लिए जो भी अपने स्कूल पीरियड में हैं, या उन सारे गार्जियंस के लिए, अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को मैथ्स की दिशा में, मैथ्स के क्षेत्र में एक नई दिशा देना चाहते हैं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर है, हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे जिनमें एक हो, माने एक का रिपीटेशन हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11, अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें ऐसे, इसका मतलब होता है 11 इंटू 11, इसका आप मल्टीप्लाई करके, गुणा करके बड़ी ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं 1 2 1। ठीक है, ये तो 11 का निकाल लिए। अगर इससे बड़ी संख्या हो जाए, कई बार एक आ जाए, तब हम क्या करेंगे, अब जैसे एग्जांपल देखिए, हम सबसे पहले लेंगे ये देखिए 1111 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ध्यान देखिए 1 1 1 1, ये हम करेंगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने के लिए आपको 1 1 1 × 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, आज की ट्रिक पे ध्यान देना है। ऐसे आपको कभी भी स्क्वायर निकालने को आए, आप पहले काउंट कर लीजिए यहाँ पर 1 की संख्या कितने बार है। देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, जब 4 बार है आप अब नंबर लिखिए, कहाँ से, 1 से, कितना लिखेंगे, जितनी बार ये 11 है, जैसे 1 2 3 4। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसी से घटते हुए क्रम में लिखेंगे, आपने 4 लिखा ना, फिर 3 2 1, ये आपका हो गया आंसर, जो कि 1111 का वर्ग निकालना था, है ना सिंपल। आइए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर हम लेंगे आपका, ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, ये 6 टाइम है स्क्वायर करेंगे, 6 टाइम मतलब 111111 का वर्क करना है। अब आप इसमें अगर मल्टीप्लाई करने के चक्कर में जाएंगे, 111111 में 111111 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आप जानते हैं कितना टाइम लगने वाला है, और उतने टाइम से पहले ही हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आप पहले काउंट कर लीजिए 1 की संख्या कितनी बार है, 1 की संख्या 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया।
अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे उतरते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, सिक्स बार में 5, 4, 3, 2, 1 ये आपका आंसर होगा। तो आपने देख लिया, एक या एक से बनी हुई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बार क्यों एक ना आया हो, उसका स्क्वायर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी क्रम में आइए देखते हैं अगला नंबर आपके सामने किसका देने वाला। अब आपके सामने यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं वो है 5 है, 15 है, 25 है, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105। इसका मतलब इन सारी संख्याओं के यूनिट प्लेस में इकाई के स्थान पर 5 है। इसका हम कैसे करेंगे, अब सबसे पहले 5 का अगर स्क्वायर करना हो, 5 5 25 नो प्रॉब्लम, हो गया 25। लेकिन इसके बाहर जाना हो जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो तो कैसे करेंगे, देखिए हम एक संख्या लेते हैं 15 स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 5 देख लेना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आप यहाँ बिंदास 25 लिख सकते हैं, आपका आधा काम तो हो गया। अब अगला क्या करेंगे, दहाई के जगह पर 1 है, दहाई की जगह पर 1 है, यह 1 और इससे जस्ट एक बड़ी संख्या, मतलब 1, 1 के बाद 2। अब 1 और 2 का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 1 के 2, आपका हो गया 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, समझ में आया। आइए एक और बड़ी संख्या लेते हैं, 65 का लेते हैं, देखिए 65 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप 5 का तो पक्का 25 लिखेंगे ही, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 है उसके शुरू में 25 लिखेंगे। अब यहाँ बचा 6, ये 6 है और इससे एक बड़ी संख्या होती है 7। अब 6 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 जा 42, ये आपका हो गया 4225। बात समझ में आई ना, अच्छा है ना ये। आइए देखते हैं और किस संख्या का, आइए बड़ी संख्या लेते हैं 95। 95 का अगर आपको स्क्वायर करना हो, आप तो पता पा गए हैं कि पहले 25 तो हम लिख ही लेंगे, बाद में देखा जाएगा। 25 लिख लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर 9 देखा, 9 लिया और 9 से एक बड़ी संख्या लेने वाले हैं, 9 से एक बड़ी 10 है। अब 9 और 10 का मल्टीप्लाई करें, 9 10 जा 90, ये आपका हो गया 9025। इस प्रकार से ऐसी सारी संख्या जिसके लास्ट में जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो उसका वर्ग निकालना बहुत 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 ही आसान होता है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट अंक की तरफ, वो क्या है। अब ये आपके सामने है, 3 का अगर वर्ग निकालना हो, 3 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, 3 या 3 का जो भी रिपीटिंग करने पर नंबर बनते हैं उसका, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर 3 3 9 आता है। अब लेकिन वहीं पर आपका 3 नहीं 33 हो गया, 333 हो गया, 3333 हो गया, मतलब 3 का रिपीटेशन बढ़ता जाए तो क्या करेंगे। सिंपल सा रूल आप पहले देखिए, ये 33 है ना, आप कितनी बार 3 है, 2 बार है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे 1, एक बार लिखेंगे, ध्यान देना, अगर 2 बार है तो एक बार 1 लिखेंगे, 3 बार होगा 1 1, 2 बार लिखेंगे, अगर 4 बार होगा तो 3 बार लिखेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर 2 बार था, आपने एक बार लिखा, अब उसके जस्ट बाद में आप लिखेंगे 0, फिक्स 0 हमेशा एक ही लिखना है, एक बार ही लिखना है। अब आगे क्या करेंगे, आप लिखेंगे 8। अब ध्यान देना, ये 1 और 8 ऐसी संख्याएं हैं कि जितनी बार 3 रिपीट हुआ होगा उससे एक कम बार लिखेंगे, अगर 2 बार 3 आया है तो यहाँ पर 1 1 बार लिखेंगे, 3 बार होता तो इस 1 को भी 2 बार लिखते, 8 को भी 2 बार लिखते। अब लास्ट में आप लिखेंगे 9, ये आपका आंसर हो गया 33 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या हो आप समझ गए होंगे, देखिए 333 3 बार है ना, तो आप 2 बार 1 लिखेंगे, 1 2, 0 एक बार लिखेंगे, 0 को सिर्फ एक बार, और 8 को 2 बार लिखेंगे ऐसा, और 9 लास्ट में लिखना है, ठीक है, लास्ट में 9 फिक्स है, और 9 एक ही बार लिखेंगे, 0 एक बार लिखेंगे। आइए थोड़ा बड़ा देखते हैं इससे, तब क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे, ये देखिए 3,33,333, ये देखिए 3 3 3
3, 3, 3 इसका हमें स्क्वायर करना है। कितनी सिंपली कर सकते हैं आप बताइए, कितनी बार यहाँ पर 6, 3 है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 बार है, कितनी बार 6 बार। आप 1 लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 6 से 1 कमर 5 बार, ये देखिए 1, 1, 1, 1, 1 ये हो गया आपका। अब एक बार 0, यहाँ पर सिर्फ 1 बार 0, ये हो गया। 0 के बाद कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। कितनी बार लिखना है, जितनी बार आपने 1 को लिखा है, 8, 8, 8, 8 हो गया। लास्ट में आपको 9 रख देना है। इस प्रकार से 3 का स्क्वायर आप यहाँ पर कर सकते हैं रिपीटिंग करने पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और ढेर सारे एग्जांपल लेकर के आप यहाँ पर जो सामने आपकी एग्जांपल दिख रहे हैं इसको लेकर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा कीजिए। और एक बात, ये आपको कहीं एग्ज़ाम में मिले ना मिले, लेकिन मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने पर ब्रेन आपका शार्प होता है, बच्चों का ब्रेन पक्का शार्प होगा, ये पक्का फिक्स बात है। आइए देखते हैं अगला कौन सा नंबर हम लेकर आते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर है 9 की सीरीज है, 9 नंबर की श्रृंखला है, इसका हम कैसे करेंगे या देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर 9, 9 जा 81 फिक्स है। अब अगर हम 2 डिजिट का देखें, 2 बार 9 है, 9 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है, इसका कैसे करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आपको 9 का 2 या 2 से अधिक अंक में है, इससे आप 1 कम लिखेंगे, मतलब 99 है तो 99 में से 1 आप घटा देंगे, 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 98। पहला स्टेप हो गया, ध्यान देना, जितनी भी बार 9 का रिपीटेशन हुआ है उसमें से 1 कम करके आप लिख देंगे। यहाँ 99 है तो हमने 98 लिख दिया। आप सुनिए, उसके बाद में जितनी बार 9 है, जितनी भी बार 9 है उससे 1 कम 0 लिखना। अगर 2 बार 9 है तो 1 0, 3 बार 9 है तो 2 0, 4 बार 9 है तो 3 0। अब यहाँ 9 2 बार है ना, 1 0 लिख देंगे। क्लियर, 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, जो संख्या है 9 की उससे 1 कम कर लिखेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। कितनी बार रखेंगे, जितनी बार डिजिट दिए गए हैं, 3 का पुनरावर्तन जितनी बार हुआ है उससे 1 बार कम। 2 बार 9 आया था, यहाँ मैंने 1 0 लिखा, अगर यहीं पे 3 बार 9 आता तो 2 0 लिखते, ठीक है। अब लास्ट में फिक्स है, आप 1 लिखेंगे केवल 1 बार, तो 99 का स्क्वायर करने पर 9801 आपका आंसर आता है। आइए देखते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या है आपकी, देखिए यहाँ पर 99,999, 99,999 इसका स्क्वायर। पहला काम आपने क्या सीखा, ये जो 99,999 है इसको लिखिए 1 कम करके, कितना हो जाएगा 99,998, 1 काम हो गया। अब आपको रखना है क्या, 0, कितनी बार रखना है, कितनी बार 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 4 0 रखना है, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब लास्ट में आपको केवल 1 लिखना है। इस प्रकार से आपका ये 9 की सीरीज का स्क्वायर आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और सारे अंकों को एक एक वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा, इसलिए आप प्लीज़ अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लीजिए, ताकि यहाँ से डाली गई कोई वीडियो तुरंत बिना किसी डिले के आपके पास पहुँच जाए और आप मैथ में सीखते रहें। ध्यान रखिए, मैथ्स की सीरीज चलने वाली है, जो कि आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद में समर वेकेशन में भी काफ़ी लाभदायक होगी, सीख करके आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ।